स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मीना जरीना में। और आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ एक और शॉपिंग हॉल वीडियो। ये शॉपिंग हॉल है, साथ ही साथ रिव्यू भी है। दो आइटम मैं आपको दिखाने वाली हूँ और ये दोनों आइटम्स जो हैं वो मैं कई बार धो चुकी हूँ, पहन चुकी हूँ। और चलिए देखते हैं क्या है, कैसे है और मैंने कितने का लिया था। तो सबसे पहले गाइस, मैं बहुत ही मैसी हूँ, प्रेस ब्रूस बिल्कुल नहीं करके रखती हूँ। सबसे पहले ये देखते हैं मैक्सी ड्रेस, ये इस तरीके से है। लेट मी चेक, मैं आपको दिखा पा रही हूँ कि नहीं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके कॉलर्स कैसे हैं। ये देखिए, इसके कॉलर्स इस तरीके से हैं जैसे शर्ट कॉलर होते हैं। और ये बटन जो है वो जो वेस्ट लाइन एरिया होता है जहां तक आपके नेवल पॉइंट तक, वहां तक जो है वो ये बटन ओपनेबल है। तो और उसके बाद यहाँ पर जो है वो इसमें ज्वाइंट भी है। ये देखिए, यहाँ पर इसमें ज्वाइंट है और उसके बाद फ्लेयर करके ये ड्रेस है। और इसमें यहाँ पर सेंटर में कट भी है, लास्ट का ये ऐसे इतना सा छोटा सा कट है, लगभग 9-10 इंच का। और मेरे लिए ये बहुत लंबी थी, मेरी हाइट 5'2" है, मेरे लिए बहुत लंबी थी तो मैंने इसको इस तरीके से फोल्ड किया हुआ है। और मेरे लिए ये परफेक्ट मैक्सी ड्रेस है। तो आई थिंक अगर आपकी हाइट 5'4" 5'5" तक है तो भी आपके लिए ये मैक्सी ड्रेस ही रहेगी। और इससे अगर ऊपर हाइट है तो हल्की सी मिडी ड्रेस हो सकती है। ये अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा सा इसका डिज़ाइन जो है वो लगभग शर्ट जैसा है। देखिए, कॉलर भी इस तरीके के हैं और स्लीव्स भी उसी तरीके की हैं जिस तरीके की हमारी शर्ट में होती हैं ना, कफ वाली स्लीव्स, उसी तरीके की स्लीव्स हैं इसमें। और घेर कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, बस ये इतना सा घेर है इसमें, ये इतना सा, बहुत ज़्यादा घेर नहीं है। लेकिन ये बहुत ही सुंदर लगती है। और ब्रांड तो मैं आपको बताना भूल ही गई, ब्रांड है ग्लोबल देसी, ग्लोबल देसी ब्रांड से ये मैंने ली थी। और साइज़ एस साइज़ है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, पता नहीं मैं थोड़ी सी मोटी हुई हूँ या ये धोने के बाद श्रिंक हुई है। पहले मुझे ये कंफर्ट फिट थी और अब मुझे ये टाइट फिट है। शायद मुझे थोड़ा पतला होने की ज़रूरत है। और तो ये जो है बहुत ही सुंदर लगती है डाली हुई। और इसका प्राइस आई थिंक 2,500 रुपये था, बट मैंने ये 750 या 700 के अराउंड ली थी। आई थिंक ये आज भी अवेलेबल है। और मैंने तो खैर थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया है लिए हुए, बट मुझे ये बहुत अच्छी लगती है और मैंने सोचा कि मैं रिव्यू करूँ। हाँ, फैब्रिक इसका रेयॉन है और कलर इसका स्काई ब्लू है, येलो कलर की ये लाइनें बनी हुई हैं एंड मजेंटा पिंक से कलर का ये प्रिंट है। हालांकि कैमरा में जितनी ब्राइट दिख रही है उतनी ब्राइट नहीं है, बट बहुत ज़्यादा डल भी नहीं है और ये बिल्कुल इंटैक्ट रही है आफ्टर वॉशिंग इसका कुछ भी। नहीं बिगड़ा है। और नेक्स्ट जो है वो एक ट्यूनिक टॉप है। आप इसको वेस्टर्न और एथनिक दोनों तरीके से जो है वो कंबाइन कर सकते हैं। इसका वही मेरिडियन कॉलर है और कैसे बटन है, येलो कलर के इसके बटन है जो थोड़े से कपड़े से वाले होते हैं। और वही 3/4 स्लीव्स हैं और स्लीव्स में जो है वो इस तरीके से बटन लगा हुआ है, फोल्डेबल है, फोल्ड है ऑलरेडी। चलिए, हम बात कर रहे थे अपनी इस वाली ट्यूनिक की। इसकी स्लीव्स बिल्कुल ऐसे ही हैं, 3/4 स्लीव्स है, इस तरीके से फोल्ड है। और इसका प्रिंट देख रहे हैं, ये डार्क मैरून, डार्क ब्राउन शेड है और उस पर पिंक से कलर के ये थोड़े से मजेंटा पिंक कलर के ये थोड़ा सा प्रिंट बना हुआ है। और इसका जो नीचे से है यू शेप है। और बस इसमें और कुछ नहीं है बताने का, बिल्कुल सिंपल सी है। और आप, मुझे ये बहुत पसंद है इस तरीके का आउटफिट। आप इसको एथनिक वेयर की तरह भी पहन सकते हैं, लाइक कि आप चाहें कि इसको मुझे एथनिक की तरह पहनना है तो आप इसको प्लाजो के साथ टीम अप कर सकते हैं और आप चाहें तो सलवार के साथ भी टीम अप कर सकते हैं। वैसे सलवार आजकल आउट ऑफ ट्रेंड है। और आप चाहें तो इसको जीन्स के साथ या
लेगिंग के साथ कैसे भी आप इसको जो है वो पहन सकते हैं, बिल्कुल इजी टू गो आउटफिट है और थोड़ा सा आप प्रेजेंटेबल भी फील करते हैं। तो पर्सनली मुझे तो ये बहुत पसंद है। मेरी हाइट 5'2" है और मुझे ये मिड थाइस तक आता है और ये मैंने लिया था अजियो से, बाकी लिया था ओनली 150 रुपीज। जी हाँ गाइस, ओनली 150 रुपीज। 150 रुपीज तो स्टिचिंग लग जाती है यार, और कपड़ा बहुत ही अच्छा है। मेरे ख्याल में 7-8 बार इसको धो चुकी हूँ और ये एज इट इज है। तो दिस इज अ बेस्ट डील। आप चाहे तो आप इनको खरीद सकते हैं, इनके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ये था मेरा आज का वीडियो। मेरा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और मेरी लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, उसमें मैंने एक इंस्टा कप्पा जो है वो एक कॉफ़ी मेकर था, उसका रिव्यू किया था और मस्त कॉफ़ी बनी थी। आप चाहे तो आप उस वीडियो का लिंक भी यहाँ पर दे दूंगी मैं, और आप चाहे तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और मेरी और वीडियोस भी आप देखना चाहे तो है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।